हाई एवरी वन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विथ कम्फर्ट पर और इंटरनेशनल रिलेशन में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डिफरेंस को आपको समझने की कोशिश करना है आज के डिस्कशन में सो so, डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब मई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो एंड सब्सक्राइब uh, करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि जो नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सो थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट गाइज सो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन की बात अगर हम करें तो कुछ पॉइंट्स जो मेजर पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे सो so, ये टेबुलर फॉर्म में मैंने क्लासीफाई uh, करने की कोशिश की है सो so, इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसका जो एरिया ऑफ स्टडी है ना दैट कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ ओनली पॉलिटिकल रिलेशन सो जो पॉलिटिकल डोमेन है इंटरेक्शन की अमंग द नेशन स्टेट्स वो किसके बीच में वो किस दायरे पे सीमित है यहाँ पर पॉलिटिकल दायरे पे ओके सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो दोनों ही कंसेप्ट क्या हो रहा है अमंग द वेरियस स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरैक्शंस हो रहा है जैसे मान लीजिए आप, आप जो फ्रेंडशिप होती है आप तीन चार लोग फ्रेंड्स हो आपस में इंटरैक्ट करते हो कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी करते हो रेट एक कई बार जो है डिसएग्री भी करोगे कोऑपरेशन भी करोगे तो ये सारी चीज़ें जैसे आप लोगों के बीच में होती हैं आपके फ्रेंड्स सर्कल में उसी तरीके से इंटरनेशनल एक सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे नेशन स्टेट हैं है अदर एक्टर्स हैं जैसे हम नॉन स्टेट एक्टर्स सिविल सोसाइटीज़ एन हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स हो गए इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन हो गए जैसे कि वर्ल्ड बैंक आई डब्ल्यू एच हो गया यू यूनाइटेड नेशन है ये हो गया सो so, यहाँ पर जो वेरियस नेशन स्टेट्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है डायलॉग हो रहा है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ये इंटरैक्शन का एरिया है वो लिमिटेड होता है सीमित होता है पॉलिटिकल रिलेशन तक पॉलिटिकल डोमेन तक ओके okay, जबकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंटरेक्शन है वहाँ पे पॉलिटिकल एरिया में तो इंटरेक्शन हो ही रहा है बट साथ ही साथ जो नॉन पॉलिटिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इंटरेक्शन हो रहा है नॉन पॉलिटिकल एरियाज़ जैसे सोशल डायमेंशन हो गई फिर पीपल टू पीपल इंगेजमेंट हो रही है हमारे इंडियन पी फॉर एग्ज़ाम्पल यू की विज़िट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी इंडियन कम्युनिटी यू पे रह रही है वो उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं जबकि वो जो जो इंडियन पीएम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया इंडियन स्टेट को मतलब इंडिया के नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से वो एक पॉलिटिकल फिगर है बट इस तो उन्हें जाकर सिर्फ यू के प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए तो ये एक फॉर्मल इंटरेक्शन हो जाता और पॉलिटिकल डोमेन में इंटरेक्शन हो जाता देखिए लेकिन इंडियन पीएम जाकर यूएस में जो इंडियन कम्युनिटी हमारी रह रही है उनसे भी इंटरेक्शन होता है उनका सो ये नॉन पॉलिटिकल दायरे में आ गया तो इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल डोमेन के साथ साथ भी नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस हैं एरियाज हैं वहाँ पर भी इसमें इंटरेक्शन होता है अब जब इस पॉइंट को आप डिस्कस करोगे तो आप सिंपल सा फ्लो चार्ट बना सकते हो राइट right? आपने ये वेन डायग्राम आपने शायद पढ़ा होगा ये राइट right? तो वेन डायग्राम में बनाकर एक छोटा सा गोला ऐसे बना दो इसे कह दो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये बड़ा गोला जो हो गया आपका वो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया राइट right? क्योंकि और भी चीज़ें हैं यहाँ पर यहाँ पे इकोनॉमिक डायमेंशन भी है यहाँ पे कल्चरल डायमेंशन भी है यहाँ पे सोशल डायमेंशन भी है राइट right? तो ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ओनली वन ऑफ द सब पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन तो पहला पॉइंट क्लियर समझ में आया इस तरीके के फ्लो चार्ट वेन डाइग्राम को आप ड्रॉ करना सीखिए और इससे क्या होगा आपके आंसर की वैल्यू एडिशन होगी इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है दिस दिस थिंग बेसिकली या प्राइमरली डील्स विद द स्टेट टू स्टेट लेवल रिलेशंस मतलब जैसे कि इंडियन पीएम ने यूएस के प्रेसिडेंट के साथ में इंटरक्ट किया तो ये ऑफिशियल रिलेशन या स्टेट टू स्टेट रिलेशन यहां पे इंटरेक्शन हो रहा है कंडक्टेड बाय द अथोराइज लीडर ऑफ द स्टेट सो इंडियन पीएम यूएस के प्रेसिडेंट दीज आर द दाइज लीडर्स या यू कैन से दैट द लेजिटिमेट अथॉरिटी जहां पर आप देख रहे हो कि ये इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ये बहुत ही फॉर्मल काइंड ऑफ इंटरेक्शन हो गया जबकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है यहाँ पे ऑफिशियल रिलेशन फॉर्मल रिलेशन के साथ साथ इनफॉर्मल रिलेशंस भी होता है सेम वही जैसे कि इंडियन पीएम ने यूएस में जाकर इंडियन कम्युनिटी के साथ एंगेज किया तो वो क्या हो गया पीपल टू पीपल कांटेक्ट वहाँ पे इंडिया इंडियन पीएम ने एक इंडियंस के रूप में जाकर उनसे इंटरेक्ट किया सो पीपल टू पीपल कनेक्शन या रिलेशन भी बनते हैं या इंडियन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अमेरिका में रह रहे इंडियंस की कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर अपनी कम्युनिटी बनाकर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अब स्टूडेंट किसी ऑफिशियल रिलेशन या ऑफिशियल अथॉरिटी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं एज़ फार एज़ द स्टेट इज़ कंसर्न कि इंडिया भारत सरकार के किसी हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट एक एक इनफॉर्मल कम्युनिटी हो गई ना तो इस इंडिया की स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट कम्युनिटी अगर इंटरेक्ट कर रही है यू की कम्युनिटी के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल यू के जो स्टूडेंट हैं वो कम्युनिटी के साथ में सो so ये पीपल टू पीपल लेवल पर रिलेशन हो गया इसी तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं या फॉर एग्जांपल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं राइट वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो गया थोड़ा सा ब्रॉड स्कोप का कंसेप्ट हो गया सो देआर फोर ऑन द बेसिस ऑफ अब पॉइंट वी कैन से दैट कि जो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इट इज़ नैरो इन सेंस ओके वेरी लिमिटेड एक तो पॉलिटिकल डोमेन तक सीमित है दूसरा ऑफिशियल या 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 फॉर्मल डोमेन या फॉर्मल रिलेशन तक लिमिटेड है जबकि इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप है वो वाइड है राइट यहाँ पर आप फॉर्मल रिलेशन का भी स्टडी कर सकते हैं नॉन फॉर्मल जो जो इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल रिलेशन हैं जैसे स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन पीपल टू पीपल कंटेक्ट रिलीजियस जो जो कम्युनिटीज़ uh, हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस तो यहाँ पे इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी हो रहा है अनऑफिशियल रिलेशन का स्टडी हो रहा है जो नॉन पॉलिटिकल एरियाज़ हैं उनका भी स्टडी हो रहा है तो इस तरीके से इसका वाइडर स्कोप हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट के आधार पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की होती है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल मैथड के बेस्ड पर होती है ओके okay, कि सिचुएशन क्या है कैसी है उसको डिस्क्राइब किया जाता है जबकि जो जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है इसकी जो स्टडी होती है यहाँ पर आप देखोगे मोर वर्सटाइल एंड साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है जा, राइट इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है दिस बेसिकली डील्स विद द या अपोजिशनल या अनफ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशन स्टेट देखो जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर लोग इंटरेक्ट करेंगे तो यहां पर नेशनल इंटरेस्ट आ जाएंगे पावर कंपटीशन आ जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाएगा यहाँ पर सारे जो पॉलिटिक्स डोमेन से इंटरलिंक्ड कंसेप्ट हैं वो आ जाएंगे तो अब जब स्वाभाविक सी बात है नेशनल इंटरेस्ट ज़रूरी तो नहीं है कि हंड्रेड परसेंट मैच करेंगे इंडिया के अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के साथ में सो वहाँ पर जब नेशनल इंटरेस्ट पर डिफरेंस आएगा कॉन्फ्लिक्ट आएगा स्वाभाविक सी बात है दोनों स्टेट के या मोर देन टू स्टेट के बीच के जो बाइलेट्रल रिलेशन है या मल्टी लेट्रल रिलेशन है उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इस तरीके से कोई फ्रेंड बनेगा कोई कोई आप, आपका एनिमी बन जाएगा इस तरीके से सिचुएशन चलती रहेगी इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारी सिचुएशन होने के बावजूद भी कोशिश की जाती है कि कोऑपरेट कोऑपरेशन इस्टबलिश किया जाए अपोजिशनल एंड कन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा बट कोशिश की जाएगी कोऑपरेशन अब ये कोऑपरेटिव फिनमिना क्यों हो पाता है इंटरनेशनल रिलेशन में क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा सॉफ्ट डिप्लोमेसी का तो यहाँ पर हम सॉफ़्ट डिप्लोमेसी को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर पाते हैं क्यों क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर इनफॉर्मल ग्रुप भी इंटरेक्शन कर रहे हैं जैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है या या नॉन पॉलिटिकल एरियाज़ में भी इंटरेक्शन हो रहा है जैसे कल्चरल लेवल पे हो रहा है ओके okay, ये सारी चीज़ें तो इस तरीके से पॉलिटिकल रिलेशंस को स्मूथ बनाने के लिए या यू कैन से फ्रेंडली बनाने के लिए एक बेस मिल स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है इट सो so, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंडिया में जो जो यूएस में इंडियन कम्युनिटी रह रही हैं वो वहाँ पर यूएस गवर्नमेंट के सामने इंडिया के फेवर में लॉबिंग करेंगी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो इंडो यू एस न्यूक्लियर डील हुई थी उसको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था तो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं वहाँ पर वो इंडियंस के बारे में ओके okay, तो इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है एंड आई होप सो कि ये डिफरेंस आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी इस चीज़ की कई बार स्टूडेंट्स कमेंट में मुझसे पूछते रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन सो आई होप दिस वीडियो वुड बी यूज़फुल फॉर यू गाइज अगर आपको यूजफ़ुल होती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड कॉमेंट मी बिलो अगर कोई डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको टॉपिक चाहिए वीडियो चाहिए हो तो मैं कोशिश करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा उस उस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करने की And thank you so much for all the love and support, guys. See you in the next video. This is all for today. And yes, keep learning, keep exploring. Bye bye, take care.